मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास में कंप्यूटर की बुक में आपको वर्कशीट दी हुई है। आप देखिए यहाँ पर ये वर्कशीट दिख रही है ना आपको, वर्कशीट वन, और पीछे से अपनी बुक में 88 पेज नंबर निकालना है, वहाँ से आपको देखना है वर्कशीट वन, और वो वर्कशीट दी हुई है आपको फॉर चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड। ये मैं आपको चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले करा चुकी हूँ, तो आज हम इसकी वर्कशीट करने वाले हैं, और इसमें से जो कुछ वर्क है वो मैं आपको बुक में ही फिल कराऊंगी, और कुछ मैं आपको होमवर्क घर के लिए भी दूंगी, जैसे आपको लर्न करना है उसके बाद लिखना है, जैसे टेस्ट होता है आपको टेस्ट की तरह ही उसको करना है, पहले उसको लर्न करोगे उस क्वेश्चन को और फिर उसके बाद आप अपनी बुक में उसको लिखोगे, ठीक है। किसी को चीटिंग नहीं करनी है, तो पहला अपनी मैं आपको फर्स्ट कराती हूँ। ए जो देखिए यहाँ से अब ए सेक्शन हम शुरू करेंगे। आप सब अपनी बुक निकाल लीजिए, अपनी बुक से अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और ऊपर आपने डालना है वर्कशीट नंबर वन, फिर उसके बाद आप यही लिखोगे फोर चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड, यानी पहले चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर के लिए है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सबको आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए पहला यहाँ पे चूज दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर्स हमें बताने हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। मैम ने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया है ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स, जो कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, और कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स आर कंट्रोल ऑल दी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी वर्किंग हो रही है उस प्रोसेस को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर CPU, नहीं CPU का आप देख सकते हो ना, टच कर सकते हो, कीबोर्ड भी आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो, ये हो है लास्ट Windows 7। Windows 7 एक एप्लीकेशन होती है ना, ये पढ़ाया है मैंने आपको Windows 7 क्या होती है। उसके बाद अब हमारा आएगा सेकंड, विच ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बिलोंग्स टू विंडोज फैमिली। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विंडोज फैमिली से बिलोंग नहीं करता, Windows 7, Windows 8 या Windows 9। तो Windows 7 तो सबसे मेन है ही, Windows 7 सबसे पहले बनाई गई थी, Windows 8 एंड Windows 9, तो यहाँ पर Windows 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, Windows 9 भी जो नहीं है तो क्या है, Windows 8 नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ डिवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, माइक्रोटेक, माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोफास्ट। तो विंडोज़ जो बनाया है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने बनाया है, कौन सी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, विच अमोंग दीज हार्डवेयर्स, यहाँ पे आपको हार्डवेयर्स दिए हुए हैं, हार्डवेयर्स पता है ना कौन से होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो जितने भी हम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच और सी, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर इज फाउंड इनसाइड द CPU बॉक्स, इनमें से कौन सा जो है CPU के अंदर देखने को मिलता है, पेनड्राइव नहीं, पेनड्राइव तो वो होती है जो एक छोटी सी चिप होती है ना, जिसमें हम सॉन्ग वीडियो फिल करके रखते हैं, CD होती है गोल ऐसे, जो DVD और CD जिनको हम बोलते हैं, उसके बाद है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो होती है उसको CPU बॉक्स के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, हार्ड डिस्क यहाँ पे हम हार्ड डिस्क में फिल कर देंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हो गया है आपका, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है अभी आपका, फिफ्थ, स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, ये मैम आपको बता चुकी है, पहले आपको पढ़ाया है, और मैम ने आपको लर्न भी करने के लिए इसीलिए बोलती है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेस्कटॉप पर जो पिक्चर्स आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं, अभी अगर यहाँ पे कुछ आपको दी हो तो मैं आपको बताऊँगी, रुको एक सेकेंड।
तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पूरा डेस्कटॉप है, ये क्या होता है, पूरा डेस्कटॉप होता है, और ये उसके बारे में पूछ रहे हैं। इन सब जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ये आइकन्स है ना, तो इन आइकन्स को क्या बोलते हैं, मैम ने क्या बताया था, इन आइकन्स को क्या बोलते हैं, सॉरी जो ये पिक्चर्स आपको दी हुई हैं इनको क्या बोलते हैं, आइकन्स हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकन्स। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये क्या है, छोटे छोटे पिक्चर्स जो हैं वो क्या हैं, आइकन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इमेज होती हैं, बटन्स या आइकन्स, तो क्या होते हैं वो, आइकन्स होते हैं। यहाँ पर आपका बॉक्स भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर आइकन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। अब उसके बाद बी सेक्शन देखिए आप अपना, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स फिल करने हैं आप, ठीक है। तो आप फर्स्ट देखो, आप लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड बूटिंग। जब हम वो ऑन करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो वो जब जितने भी कंप्यूटर ऑन होते हैं, ऑन होते टाइम पे तो एप्लीकेशन सारी लोड होती हैं। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन्स में होता है, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो हम उसको स्विच ऑन करते हैं ना, तो जब एप्लीकेशन ऑन हो रही होती है तो ऐसे ही कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन ऑन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम बूटिंग बोलते हैं, BOOTING कॉल्ड बूटिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। यहाँ क्या फिल करेंगे हम, TRUE, ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद अब सेकंड देखो आप, स्पीकर इज एन इनपुट डिवाइस। स्पीकर जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि जो स्पीकर होता है उससे हमें आवाज़ मिलती है, हम उससे ऑडियो सुन सकते हैं। यानी अगर हम कंप्यूटर में कोई गाना प्ले कर रहे हैं, सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, तो क्या है, अगर हमें उसकी सॉन्ग सुननी है, अगर उसका आउटपुट लेना है, हमें सॉन्ग सुनने का आउटपुट क्या होते हैं, जो चीज़ें हम कंप्यूटर से लेते हैं वो होते हैं आउटपुट, और जो चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं जिस चीज़ से, तो वो होती हैं इनपुट। तो ये क्या है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर गेट्स टायर्ड क्विकली देन मैन। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंसान की तुलना में जल्दी थक जाता है, ये तो गलत है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो थकता नहीं है और इंसान काम करते हुए जल्दी से थक जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। उसके बाद थर्ड पढ़ो आप, थर्ड हमारी हो गई है, फोर्थ पढ़ेंगे अब हम, CPU चिप इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU की जो चिप होती है वो CPU बॉक्स के अंदर लगाई गई होती है, उस वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और उस चिप को हम क्या बोलते हैं, कहाँ लगी हुई होती है वो चिप, मदरबोर्ड के ऊपर, कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ आपका, स्कैनर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। जो स्कैनर होता है वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स, क्योंकि जो स्कैनर होता है वो स्कैन करता है, स्कैन मतलब जैसे हम अभी ये वीडियो बन रही है आपकी, तो ये क्या कर रही है, ये भी स्कैन ही है एक टाइप का, यानी आपके ये कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर रही है, तो ऐसे ही स्कैनर होता है वो स्कैन करता है, वो क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब मैं आपको ए एंड बी सेक्शन मैंने आपको करा दिए हैं, अब यहाँ पर आप देखो, ये है आपका सी सेक्शन। अब आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट से लेकर थर्ड चैप्टर, मैम ने आपको बोला था पहले भी लर्न करने के लिए, तो वो आपको फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर के सारे आपने फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन 6 के 6 को आप खुद ही फिल करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देती हूँ, वैसे अगर आपकी बुक में नहीं है तो अब आप यहाँ से आप देख लीजिए, स्पीकर इज़ वन ऑफ द डैश डिवाइस, पहला क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे आप क्लूज़ भी लिख लीजिए एक बुक में यहाँ से, ठीक है। पहला क्लू, फास्टर कॉम्पैक्ट डिस्क पॉइंट लैंग्वेज 3 क्लिक और आउटपुट, ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है, क्लू बॉक्स। अब सेकंड क्वेश्चन, डैश इज़ ए रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आपने इनको करना है, कैसे करोगे, इनको यहाँ से देखकर पहले अपनी बुक में उतार लो, नोट कर लो, और उसके बाद जो पहले आपने क्वेश्चन ये आपने किए हुए हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, वहाँ से पढ़कर इनको लिखो, देखकर नहीं लिखना, किसी ने चीटिंग नहीं करनी, लर्न करने के बाद आपने लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की क्या समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। फोर्थ है, माउस गिव्स इंस्ट्रक्शंस यूजिंग डैश एंड डैश। माउस क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो लेता है
उसको क्या क्या यूज़ करके लेता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डैश देन मैन। कंप्यूटर की काम करने की जो स्पीड होती है वो इंसान से क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है, डैश दीज आर डैश कंट्रोल्स बटन इन ईच विंडोज़। हर विंडोज़ के अंदर कितने कंट्रोल बटन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये आपका होमवर्क हो गया, पहले तो आपने इनको फिल करना है और उसके बाद आपको ये अपने आप करने हैं लर्न करने के बाद। और आपका जो ये डी सेक्शन क्वेश्चन आंसर है, अगर इनमें से, और आप एक और होमवर्क देख लीजिए आज का अपना, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है और आप मुझे ये चेक करना है, मुझे आप चेक कराओगे उसको, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये आप पहले लर्न करोगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक्स अवर लाइफ वेरी इजी। ये मैं आपको करा चुकी हूँ ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लर्न करके आपको खुद लिखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।